ये है भाई बम क्या हो रहा है ये भारदा ने बंदरों को भगा दिया। यहाँ पे हैं दो यासु और दीवानसु और उसी का वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। तो ना इस पानी का टैंक है उसके लिए भी खतरा हो गया भाई यहाँ पे ना। ये देखिए पाइपलाइन तो गई होगी पर टैंक के मशीन से बनाने में एक धोखा भी है कि लाइट चले गई। यहाँ पे देखिए भाई छांस बन नहीं है, आजकल तो मशीनों का जमाना आ गया। और ये है मशीन पिंडर वाले के इन खूबसूरत वादियों से सुखदेव भंडारी का आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं यहाँ पर, अभी पापा मट्ठा बना रहे हैं। और ना अब तो पुराने जमाने में तो रोड से बनाते थे पर लेकिन अब मशीन से ही बनाते हैं। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, लाइट चले गई तो छांस बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और तो लगी है अभी लाइट चली गई है, अब कैसे बनेगा। वैसे तो मखन तो लग ही गया पर लेकिन अब पापा फाइनल करेंगे कि कितना टाइम लगेगा भाई। यहाँ पे देखिए अंदर में ना थोड़ा धुआं भी हो रहा है क्योंकि आग भी जला रखी है और अभी अभी लाइट चली गई है। पर लेकिन मखन थोड़ा और अगर 2 मिनट और रहती तो ये मट्ठा बन जाता भाई। अब लाइट आएगी तो तब बनाएंगे वो पूरा। पापा ने कहा है कि अभी नहीं होगा। तो मौसम भी देखिए भाई आज ना हल्के हल्के बादल हैं आसमान में और अभी तो धूप लगी है बिल्कुल कड़क और 2-3 दिन लगातार बारिश के बाद आज धूप लगी है तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। चारों ओर काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रखा आज। जब धूप भी लग रही तो काफ़ी कड़क है फिर भी मौसम भाई काफ़ी भारी बादल आ गए हैं अभी चारों ओर से, यहाँ से भी और पूरा चारों तरफ से बादल आ रहे हैं तो शाम के टाइम तक ना बारिश आ सकती। ठीक पीछे रामेश्वर महादेव का मंदिर है, ये सामने दिख रहा है उसका टॉपी टॉप। ये बिल्ली देखिए भाई यहाँ पे लगी है कुछ खाने पे। चलिए भाई कल के ब्लॉग को आज भी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे ना काफी भीड़ थी और मैं उस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से और आज बंदर की बारी है। तो गाँव में ना प्रत्येक दिन कुछ लोगों की बारी रहती है बंदर भगाने की क्योंकि अब फसल भी अब पकने वाली है तो बंदर काफ़ी नुकसान कर देते हैं तो उनको दूर भगाया जाता है। तो इसमें आज 6 आदमियों की बारी होगी तो प्रत्येक दिन 6 आदमी की बारी है क्योंकि इस बार बहुत लंबी सारी है ना तो इसलिए 6 आदमी एक दिन में बंदर भगाएंगे। बारी है भांजा हुआ और रावत जी हुए और भांजा तो थोड़ा पहले आगे थे और उनके साथ आंसू और इस प्रकार से अभी बंदर यहाँ नीचे हैं बल तो वहाँ जाना है। और अभी हम हैं पर्थ में और यहाँ पे ना जो इस तरह की खेती का नाम है यहाँ पे पर्थ है। सामने दिख रहा है नीचे ये है तुनेड़ा गांव और यहाँ के लिए जो ये रोड कटी है ना ये वाली भाई देखो पूरी रोड चली गई है और यहाँ से लेकर और नीचे जो आपको खेत दिख रहे होंगे यहाँ ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। और इन्होंने एक महीने पहले तो इन्होंने इनमें रोपणी लगाई थी भाई और अब देखिए भाई पूरी खेती और रोड का भी कोई पता ही नहीं है, नामो निशान मिट गया है यहाँ से रोड का तो इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया है भाई यहाँ पे। और इनका ना तो पानी का टैंक है उसके लिए भी खतरा हो गया भाई यहाँ पे ना। ये देखिए पाइपलाइन तो गई होगी पर टैंक के नीचे भी काफी नज़दीक स्लाइड हो गया है। तो देखिए भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक की पूरी ये सिंचित भूमि थी यहाँ पे उन्होंने सेरा लगाए थे और पूरे देखिए भाई खत्म।
खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं रह गया है इनमें, और इनको बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगेगा। प्रकार से तुंडे गांव को काफी नुकसान हुआ। अभी तो हम बंदर हांक रहे हैं, यहाँ पर हैं रावत जी, अब भांजा यहाँ पर बंदर को भगाने के लिए बम भी फोड़ रहे हैं भाई। अब देखो थोड़ा सा ना बरसात में ये है भाई बम, क्या ये भांजा ने बंदरों को भगा दिया। यहाँ पे हैं दो यासु और दीवानसु, तो इस प्रकार आज छह आदमी की बारी है। और ये सामने दिख रहा है चोपता, और ये हो रहा है चोपता में धर्मशाला का निर्माण, माँ भगवती का भव्य मंदिर, और उसी का वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। तो ना इस क्षेत्र में पहाड़ों में इतनी ऊंची बिल्डिंग ये पहली होगी जिसमें इसमें इतनी बड़ी बनाई गई है, इतनी ऊंची बनाई गई है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ना इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाते। अरे नीचे हमारे बंदर रोड में, ये देखिए। तो तुनेड़ा वालों के लिए भेज दिया भांजा ने, ये है भाई बंदरों का आक्रमण, आने वाले थे, वो अटैक करने वाले थे यहाँ, उससे पहले ही भगा दिया। इस प्रकार की पोजीशन में थी आजकल ना खेतों में, कल रात को बारिश आई होगी, काफी गीले भी हो जाते हैं यहाँ पे आसमान में। तो आज भी देखिए भाई कितने बादल हैं, देखिए चारों तरफ बादल ही बादल। चलिए जी यहाँ के बंदर तो हाक दिए हैं, अब दूसरी जगह जाना है, बल तो चलते हैं वही घर की ओर, क्योंकि यहाँ जितने बंदर थे वो भगा दिए हैं। और भांजा लोग जाएंगे यहाँ से कैक खोली पर, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा इसमें, मैं अभी थोड़ा अपने सेंटर पे रहूँगा।